चला चाबुक विकेट ले गए अर्जुन तेंदुलकर जीत गई मुंबई हार गई सनराइजर और भा। हैद्राबार, हैद्राबार <laughs> <laughs> भाई भाई हो गई भावुक हैदराबाद मैच नहीं हारे हा मैच खेल चुके हैं पूरे पांच और उसमें से अब बिल्कुल पॉइंट टेबल पे नीचे जा बहुत शानदार प्रदर्शन सनराइजर हैदराबाद का पॉइंट टेबल में नंबर नौ पर वाह भाई बिल्कुल दिल्ली के बगल में बैठे हैं सुना है आपको दिल्ली बड़ी पसंद है मैं नहीं मेरे को इस बारे में नो no कमेंट्स no को comments. बात नहीं करनी है यार कोई बात नहीं होता है पर भाई मुंबई और हैदराबाद का मैच था हैदराबाद में ही जहाँ पे भाई मुंबई के रोहित शर्मा वापस आ गए कैप्तान बनकर क्योंकि भाई कैप्तान ना, कैप्तान बढ़िया वर्ड है ना कैप्तान कैप्टन और कप्तान हिंदी भी होना चाहिए अपने ना एक्सेंट आ जाता थोड़ा हिंदी तो भाई अपनी हैबिट है रोहित शर्मा वापस आए कप्तान बन के क्योंकि पिछले मैच में उनको इम्पैक्ट प्लेयर बना के लाए थे वहां पे भी उन्होंने 20-30 रन का अपना योगदान दिया था लेकिन इस बार वापस आए कैप्टन बन के और भाई ओपनिंग में 28 रन मारे 18 बॉलों पे तो एक ताबड़तोड़ सी जो बल्लेबाजी थी उनकी नजर तो जरूर आ रही थी लेकिन थी थी आ रही थी फिर चलिए हाँ यार वो आधे आधे वो मतलब शॉट लगा रहे थे एक तो भाई उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ बढ़िया यू फ्लिक शॉट लगाया भाई हाँ। ओहो भाई बहुत ही शानदार वो चौक का जो निकाला था भाई लेकिन रोहित भाई का ना हमेशा यही होता है सीन ये बहुत से देखते आ रहे हैं हम रोहित भाई की फॉर्म आ गई आ आ गई गई नहीं आई नहीं रह गई थोड़ी नहीं आई नहीं आया लेकिन कप्तान है भाई इतना तो होता ही

और एक जमाने में शायद अफरीदी भी होते थे <laughs> वो जमाने चले गए वेरी वेरी, वेरी 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 फार तब तो डेकन चार्जर हुआ करते थे या 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 तो जब से नाम चेंज हुआ तब से पाकिस्तान तो फिर तो रोहित शर्मा भी हुआ करते थे <laughs> <laughs> तब रोहित शर्मा भी हुआ करते थे भाई हैदराबाद के बाद लेकिन नहीं अब रोहित शर्मा मुंबई के साथ है और पांच ट्रॉफी के साथ है लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ चढ़ चट के छठे नंबर पे तो पहुंच ही गए हैं गई हाँ, मतलब वही बात है कि ठीक है चलिए थोड़ा बहुत उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है बाकी सारी टीमों के जो है पांच पांच मैच निपट चुके हैं यहाँ पे नंबर एक पर राजस्थान है दो पर एल एस तीन पर सीएस के चार पर जी और मजे की बात ये है कि एक राजस्थानी है जो चार मैच जीती है बाकी सारे जितने भी लोग हैं मतलब कई सारी टीमें हैं दो तीन चार पांच छह छह मतलब पांच टीमें हो गई हैं पांच टीम जो पांच मैच खेलकर तीन मैच जीती हुई हैं वाह और सबके नेट हंड्रेड के हिसाब से बस इनके नम, जो हाँ। पोजीशन है है वो चढ़ी हुई उतरी हुई है, है। बिल्कुल ये नेट हंड्रेड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है जब से दस टीमें हो गई हैं तब से तो टॉप फोर निकालने में नेट हंड्रेड के पीछे ही पड़े रहते हैं लोग भाई भाई तो ठीक है ना थोड़ा यही तो है यही तो मजा है लेकिन भाई सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बैटिंग के बारे में अगर बात कर ले तो रोहित भाई का हमने बता दिया ईशान किशन

एक सौ साठ का रहा स्ट्राइक रेट तो वो सही रहा सूर्य भाई मारने मारने की कोशिश में सात रन पे आउट हो गए तीन बॉल सात रन दो सौ पॉइंट तीन तीन का स्ट्राइक रेट लेकिन जो रन ना के साथ ही है और वो इसलिए क्योंकि एक छक्का मारा था उन्होंने हाँ। खा खाली और उसके बाद एक पे आउट हो गए छक्का था मतलब दे के मारा भाई लंबा छक्का और हो हो भाई दिल खुश कर दिया था मुझे लगा था आज सूर्या भाई फिर से वापस वो तावड़ोड़ जो पारी जो खेलते हैं हमेशा फिर वो वापिस चले गए हाँ फिर वो यार लेकिन भाई वो वापिस गए मारक्रम की बहुत बढ़िया कैच के चलते भाई पूरी फुल स्ट्रेच डाइव मार दी थी भाई मारक्रम ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ी थी लेकिन एक लड़का है जो चले जा रहा है मुंबई के लिए और इनके भरोसे ये भी चले जा रहे हैं हाँ यार वो oh, है hey. तिलक वर्मा वाह जी वाह वर्मा जी का लड़का भाई जहां शर्मा जी के लड़के से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया वर्मा जी के लड़के ने हर मैच में मार रहा है तो इस मैच में भी हालांकि अगले चार बॉलों के ऊपर उन्होंने चार छक्के जड़े दिए है भाई बहुत सही था यार मजा आ गया था तिलक वर्मा को भाई ऊंची ऊंची ऐसे होगा लेकिन भाई ऊंचा जाते जाते वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है यार अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे

जो बॉलर अगर हम बात करें सनराइजर हैदराबाद की भूवी भाई हैं जो बॉलर में पिक रहे सारे बॉलर्स के क्योंकि चार ओवर के अंदर इकतीस रन दिए एक विकेट सात पॉइंट आठ का इकोनॉमी रेट एक अच्छे हाई स्कोरिंग गेम के अंदर अगर सात पॉइंट आठ का इकोनॉमी रेट रहता है तो भाई ये बहुत शानदार है बहुत ही लेकिन ही है। उसके बाद ज्यादा इनके मतलब बहुत ज्यादा बॉलर तो नहीं चले नटराजन भाई अच्छा दिख रहे थे इन बिट्स एंड पीसेस लेकिन पचास रन भी उन्होंने दे दिए मैं चाहता हूं कि नटराजन पुराने वाले वापस आ जाए यॉर्कर वो अभी डाल रहे हैं लेकिन थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं अगर वो थोड़ा सा और अच्छा कर ले तो भाई हैदराबाद की टीम में और थोड़ा सा बाइट आ जाएगी बिल्कुल उनकी बॉलिंग में बाइट आ जाएगी बाकी हैदराबाद की जो बैटिंग है आज फिर से प्रूव कर दिया हैरी ब्रूक्स ने की क्वालिटी मैटर्स अलॉट बिल्कुल क्योंकि उनके पास पता नहीं है कि नहीं है क्योंकि अगर क्वालिटी है भी ना उस बंदे ने अपने आप को घिसा दिया है पीएसएल में खेल पीएसएल में यार आप क्यों समझते हो कि पीएसएल वाली पिच है सारी एक ने... ही एक ही जगह पे बंदे ने आया एक ही में चला सौरन मारे उसके बाद कह रहा है ना आगे चलूंगा ना पीछे चलूंगा बताओ यार मतलब जहां सबको पूरा कॉन्फिडेंस आया था कि भाई ये माक्रम की कैप्टेंसी के अंदर ये हैरी ब्रूक कमाल करके दिखाएगा ना और मयंक अग्रवाल ने भी बहुत ज्यादा बॉले खाई है भाई इकतालीस बॉल पे अड़तालीस रन एक सौ सत्रह का स्ट्राइक रेट रहा एक छक्का चार चौके तो मयंक अग्रवाल ठीक है, एक run, ये, run है भाई ये पॉजिटिव अप्रोच है कि मयंक अग्रवाल जो पिछले चार मैच से बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे थे सिंगल डिजिट में आउट हो रहे थे मेरे मेरे को 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 भोगले जी सुनना सुनना है है साइमन क्या कहते हो मयंक अग्रवाल के स्ट्राइक रेट पे क्योंकि भाई वो नहीं छोड़ रहे किसी को हाँ यार वो स्ट्राइक रेट के ऊपर इतना ज्यादा बोल रहे हैं यार वो बंदे बिल्कुल डटी नहीं रहे हैं तो भाई मयंक अग्रवाल का भी एक का स्ट्राइक रेट रहा तो दिक्कत तो है और

एकदम आउट हो गए चले गए वापस चले गए तो हैदराबाद के बेसिकली बैटिंग में दिक्कत ये हुई है कि टिक जो भी रहा था वो बॉलें खाए जा रहा था रन नहीं बना रहा था जो और यहाँ पे हम कह रहे थे कि टिक के मारना भी है तो हाँ। मार कोई नहीं रहा था दिक्कत ये हुई है मार, कोई एंसन ने भी नहीं मारा, मार। है। जिनके नाम में ही मार आ रहा है भाई वो बंदा नहीं मारा लेकिन मार खा के चला गया लेकिन छह बॉलों पर तेरह रन मारे वहां पर उन्होंने तीन चौके लगाए जरूर थे दो चौके इकट्ठे लगाए थे जहां से थोड़ा सा हमें लगा भाई अब फील आ रही है अब फील आ रही है लेकिन वो आउट हो जाए सुंदर भाई भी बड़ी गंदी तरीके से रनआउट हुए हैं हाँ। मतलब डाइव भी नहीं मारी भाई डाइव मतलब भी नहीं भाई, तो भाई, भी नहीं किया यार भाई उन्होंने। वो बड़ा भाई वो छोटा वो रन था बड़ा टाइट रन था हाँ। वो टीम डेविड के पास भाई वो आदमी बावला हुआ पड़ा है कैच इतनी तगड़ी ले रहा है वो बंदा फील्डिंग इतनी तगड़ी कर रहा है आपको लग रहा है की वो बंदा डायरेक्ट छोड़ देगा और बिल्कुल भाई डाइव ही नहीं लगाई और बंदे ने पहली मतलब कॉमेंटेटर तक बोल दिया गया आउट है भाई हाँ हो रिपीट देखना हाँ ही नहीं हाईलाइट हमें हाँ हाँ देखनी नहीं रिपीट हमने हाँ तरफ से हमारी तरफ से आउट है सबने पहले ही आउट कह दिया तो उसके बाद जब डायरेक्ट हिट लगी उसके बाद वाशिंगटन सुंदर फिर भाग गए क्या हाँ। क्या पता मैं आउट नहीं हुआ सही बात है वो फिर वो डबल कर लेकिन भाई भूई भाई जो थे उनसे सबको उम्मीद थी कि ये रन नहीं बनाएंगे नहीं। जो कि बिल्कुल सही थी क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर जी को उनका डेब्यू मतलब डेब्यू तो नहीं मतलब पहला विकेट जो है डेब्यू विकेट डेब्यू विकेट कह लो कोई बात नहीं तो जो पहला विकेट आईपीएल के करियर का वो भुवनेश्वर कुमार के रूप में उन्हें मिल चुका है वो भाई ने ये उनको गिफ्ट दिया है वहां पे शर्मा जी के लड़के ने यानी कप्तान साहब रोहित साहब ने कैच भी पकड़ा है

बदला आप कह रहे हो ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका और प्रभु और वो नेदरलैंड वाला बदला हाँ। भाई, भाई।, भाई 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 उसी के चलते भाई ये जो माक्रम और ये मार्को और ये क्लासियन आया नहीं जिता पा रहे भाई भाई लेकिन बॉलर तो इनके भी ठीक ठाक बैठे हैं और सोचिए पिक ऑफ द बॉलर कौन रहा इतने पूरे लंबे बॉलिंग लाइनअप में अर्जुन अर्जुन तेंदुलकर सही में भाई छह दशमलव चार की इकोनॉमी से भाई जो इन्होंने बिल्कुल रन, रन दिए हैं और एक विकेट दिया जो आखिर में भूवी भाई का वही मैच जीत तो गए थे रायली मेरेडि चार ओवर में उन्होंने तेतीस रन दिए दो विकेट उन्होंने भी लिए और दो विकेट लिए चावला जी ने हट रहे लेकिन रन दिए यार रन पड़ गए लेग है देखो रन थोड़े से खा सकता है लेकिन अगर विकेट निकाल के दे रहे हैं तो वो बड़ी जरूरी चीज है बढ़िया और जो दो विकटे अच्छी पीयूष चावला ने यहाँ पे भाई निकाली है। भी तो भाई इतनी तगड़ी है ना अभिषेक शर्मा और क्लासन की वाह भाई जो मतलब मार रहा था उसी की विकेट चलो क्लासन की तो समझ आता है लेकिन अभिषेक तो वो भी तो ये तो ना कि छक्का मारा पहले एक बॉल पे अगली बॉल पे आउट हाँ। तो तो रन आते हैं तो विकेट भी आती है 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 लेग स्पिनर के साथ चलता है। तो भाई पे भाई पे जो मुंबई वो मैच जीत के पहुंच गई है अब छठे स्थान के ऊपर पंजाब वाला स्पॉट उन्होंने ले लिया अगर थोड़ा सा नेट रनडेट अच्छा हो जाता तो पंजाब को उनके फेवरेट स्पॉट पे भेज देती और खुद पांचवे पे आ जाती लेकिन स्टिल प्ले ऑफ की रेस में अभी भी मुंबई बनी हुई है अनलाइक दिल्ली अभी अर्ली इन द टूर्नामेंट है हम लोग लेकिन हैदराबाद नंबर नौ पे चल रही है तो मुझे थोड़ा डाउट होता है वो प्ले में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी दिल्ली में तो कतई डाउट है कि वो पहुंचेगी नहीं अभी मुंबई फिर भी अपनी जो है ना आखिर में वो करता है की और फिर प्ले ऑफ में कैसे ना कैसे करके चौथी पोजिशन लेके पहुंच जाता है फिर कब लेके चले जाते हैं बिल्कुल तो भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन पहुंच सकता है प्ले ऑफ में अभी गिवन स्टैंडिंग के हिसाब से मुंबई या हैदराबाद ये आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं

है मैं हूं प्रशांत कपूर मैं अभिषेक मंचन और आप देख रहे हैं अनकट